चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एमसीक्यूज करेंगे। आपको क्या करना है, कमेंट करना है आंसर जो भी होगा। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से आप कमेंट कीजिए। मैं मानता हूँ आप कमेंट कर चुके होंगे वीडियो पोस्ट करके। तो हमने पढ़ा था सन्यासी में अंकी बिंदी आएगी स के ऊपर और आधा न आएगा, सन्यासी। तो जो है ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद। आशीर्वाद को कैसे लिखेंगे ये आप कमेंट कीजिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ आपने वीडियो पोस्ट करके कमेंट कर दिया होगा आशीर। तो श के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है और मैंने बताया था कि जो शी के बाद र आ रहा है आशीर, तो व के ऊपर अगर री की मात्रा आएगी तो वो आ पर आ जाएगी। तो क ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जवल। उज्जवल को बताइए कैसे लिखेंगे, कमेंट कीजिए। मैं मानता हूँ आपने कमेंट कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर 3 उज्जवल, इससे मैंने बताया था डबल ज, दो बार ज आएगा और ये ऑप्शन है उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार। जल्दी से कमेंट कीजिए। मैंने बताया था कि श और री ऐसे बनता है श्रृंगार में, तो जो ग ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है कवयित्री। जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं मानता हूँ आप कमेंट कर चुके होंगे कवयित्री। अगर हम पढ़ रहे हैं कवयित्री तो व के ऊपर तो ई की मात्रा आ ही नहीं सकती। ये ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। कवयित्री के ऊपर छोटी की मात्रा और यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामर्थ्य। सिक्स्थ क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, मैं मानता हूँ आप कमेंट कर चुके होंगे सामर्थ्य। मैंने बताया था कि जो अगर शुद्धि है तो ध के ऊपर मात्रा जाती है शुद्धि में, ऐसे ही सामर्थ्य में साम म के बाद र आ रहा है लेकिन जो र है वो ऊपर आएगा, तो आधा है य, तो य के ऊपर आएगा र, तो सामर्थ्य। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जिन्होंने भी आंसर किया है। ऑप्शन है शीर्षक। जल्दी से कमेंट कीजिए सेवन्थ का आंसर क्या होगा। शीर्षक, शीर्षक में भी श ई, शी के बाद र की मात्रा आएगी तो श के ऊपर आ जाएगी, तो सी आंसर होगा शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचयिता। रचयिता भी बिल्कुल मैंने बताया था कवयित्री की तरह है जिसमें कि य के ऊपर मात्रा आती है। एक ही ऑप्शन है जिसमें य के ऊपर मात्रा आ रही है छोटी की, रचयिता। तो खैर जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक। जल्दी से कमेंट कीजिए शारीरिक। शारीरिक हम पढ़ रहे हैं तो आ की मात्रा जरूर आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हट गया। और मैंने बताया था कि र के ऊपर पहले बड़ी मात्रा आएगी और फिर छोटी मात्रा आएगी शारीरिक, तो ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजनीय। जल्दी से कमेंट कीजिए पूजनीय। मैंने बताया था कि जो पूजा है उसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो जो पूजनीय है उसमें भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो ये जो ऑप्शन है तो हट गया है और ये भी हट गया है और आधा जय नहीं आएगा, पूरा जय आएगा पूजनीय। जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है जिन्होंने भी आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से बताइए त्यौहार को कैसे लिखा जाता है। जल्दी से कमेंट करें। मैं मानता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया होगा त्यौहार। मैंने बताया था कि य के बाद एक ही मात्रा आएगी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और जो त है वो आधा आता है, तो ये जो दो ऑप्शन है तो बिल्कुल हट ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवाइयाँ।
जल्दी से बताइए कि दवाइयाँ कैसे लिखा जाता है। मैंने बताया था कि जो दवाई है, अगर दवाई होता सिर्फ तो बड़ी ई की मात्रा आती, अगर दवाइयाँ हैं तो बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी और यह के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। तो जो थर्ड ऑप्शन है दवाइयाँ, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य। जल्दी से कमेंट करके बताइए स्वास्थ्य। मैं मान रहा हूँ आपने कमेंट कर दिया होगा वीडियो को पॉज करके। स्वास्थ्य मैंने बताया था स्वस्थ, स्वस्थ में आधा स व आधा स और फिर पूरा थ। स्वस्थ उन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन किया है, वो बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य गलत हो जाएगा क्योंकि थ पूरा है, ये स और थ आधा है, लेकिन जो आगे का स है वो आधा है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन कमेंट किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवयित्री। कवयित्री के जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये हैं, आप देख लीजिए एक बार कवयित्री। जल्दी से देखकर कमेंट कीजिए कवयित्री। कवयित्री में मैंने बताया था, एक्चुअली ये रिपीटेड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो सभी के आंसर जो है बिल्कुल ठीक आने चाहिए। कवयित्री में व के ऊपर ई की मात्रा नहीं आएगी, तो ये गलत, ये भी गलत, और य के ऊपर छोटी की मात्रा आती है, तो ये बिल्कुल ठीक। कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जवल। जल्दी से बताइए कि उज्जवल को कैसे लिखा जाता है। कमेंट कीजिए, मैं मान रहा हूँ आपने कमेंट कर दी होगी वीडियो पॉज करके। और दो बार जे आता है उज्जवल में, ये भी अभी रिपीटेड हुआ है, तो सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आने चाहिए। उज्जवल जो दो बार जे है वो सिर्फ इसी में है, बाकी सबके सब गलत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संन्यास। मैंने संन्यासी बताया था, अंकी बिंदी और आधा नहीं, स के ऊपर स पूरा आता है, तो एक ही ऑप्शन इसमें कि अंकी बिंदी और आधा नहीं है, थर्ड ऑप्शन। जिन्होंने भी कमेंट किया है सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित। पंडित में जल्दी से आप कमेंट करके बताइए पंडित कैसे लिखा जाता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। पंडित तो जो इसमें अंकी बिंदी आती है, तो सभी के सभी गलत हो जाएंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा पंडित। नेक्स्ट जो है वो दुकान है, तो दुकान को कैसे लिखेंगे। दो कान तो होता नहीं है, तो ये पहले ही चला गया। मैं मान रहा हूँ आप कमेंट कर चुके होंगे दुकोन भी नहीं होता, ओ की मात्रा आ गई, हमारी प्रोनाउंसिएशन ही अलग हो गई बिल्कुल। दुकान, दुकान में छोटे ओ की मात्रा आती है। जिन्होंने भी फर्स्ट आंसर कमेंट किया है उन सभी का ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन अत्यधिक। अत्यधिक नहीं होता, मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अत्यधिक, अत्यधिक में आधा तय आता है और अत्यधिक नहीं होता, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, ये दो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और अत्यधिक में आधा तय आता है और ये आता है आधा, तो जो बी ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे चिकित्सक। जल्दी से कमेंट करें, मैं मान रहा हूँ आप कमेंट कर चुके होंगे। चिकित्सक, चिकित्सक मैंने बताया था कि जो ऐसे लिखा हुआ आता है इसका मतलब होता है आधा क और त, लेकिन चिकित्सक है तो क के ऊपर भी मात्रा आनी चाहिए चिकित्सक में, लेकिन छोटी की मात्रा तो है ही नहीं, तो ये जो दो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो गए हैं। और आधा त आता है चिकित्सक में, ये तो मैंने इसके बराबर बताया था। जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया है चिकित्सक में आधा त और क के ऊपर भी छोटी ई की मात्रा, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, जिन्होंने भी डी ऑप्शन आंसर किया है उन सभी का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 व्यवहारिक। जल्दी से वीडियो को पॉज करके 11th आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। व्यवहारिक, व्यवहारिक
जब हम व्यवहार बोलते हैं तो उसमें व आता है, व्यव आर व्यवहार। लेकिन जो व्यावहारिक होता है उसमें य के बाद आ लग जाता है। तो देखिए, आधा व य और आ किस में है, ये गलत है, ये गलत है। और व्यावहारिक व के बाद आ नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन जो है, जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है, व्यावहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मैंने बताया था, जो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है उसके बोलने को अतिशयोक्ति बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा कर की गई बात, अतिशयोक्ति। जल्दी से कमेंट कीजिए अतिशयोक्ति 12th का आंसर। अतिशयोक्ति आपको पता है जो अति है मतलब कि ज़्यादा, त के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है। तो जो ये दो ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत हो गए हैं। और मैंने बताया था कि जो श है वो पूरा आता है अतिशयोक्ति, तो य के ऊपर ऊ तो होता है नहीं क्योंकि हम बोल रहे हैं अतिशयोक्ति य ओ। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया है कमेंट, उनका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 रचयिता। जल्दी से ऑप्शन आप देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन है ये, कवित्री की तरह रचयिता है और ये भी रिपीटेड है। जिन्होंने भी अब आंसर दिया है मैं मान के चल रहा हूँ कि उन सभी का आंसर ठीक होना चाहिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रचयिता कवित्री होता है, ये के ऊपर छोटे की मात्रा आती है। रचयिता होता है, ये के ऊपर छोटे की मात्रा आती है। तो इसमें भी ये के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो ये गलत हो गए हैं। और जो डी ऑप्शन है इसमें भी ये के ऊपर मात्रा है लेकिन वो बड़ी ई की मात्रा है तो ये भी गलत। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है, रचयिता। कवित्री में भी ये के ऊपर छोटी की मात्रा आती है और च के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती, व के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। सेम इसी की तरह यहाँ पर च के ऊपर भी मात्रा नहीं है रचयिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उपर्युक्त। उपर्युक्त का मतलब होता है जो ऊपर दिया गया हो, उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कमेंट करेंगे सभी के सभी, उपर्युक्त मैं मान के चल रहा हूँ सभी ने कमेंट कर दी होगी। उपरोक्त हम सुनते हैं लेकिन ये गलत है। उपर्युक्त, उपर्युक्त में छोटे यू की मात्रा होती है तो ये भी गलत है। उपर्युक्त मैंने बताया था जो ये है इसको हम बोलते हैं आधा क और त, उपर्युक्त। और इसमें जो र की जो मात्रा होती है वो य के ऊपर होती है तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी गलत हो गया क्योंकि य के ऊपर होनी चाहिए थी। तो हमारा जो सी, जिन्होंने भी कमेंट किया है, जिन स्टूडेंट्स ने, उन सभी का सी आंसर ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे संगीतज्ञ। संगीतज्ञ का मतलब होता है संगीत बजाने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए 15 क्वेश्चन, मैं मानकर चल रहा हूँ आप सभी ने कमेंट कर दी होगी। संगीतज्ञ, संगीत तो सभी को लिखना आता है तो संगीत, तय तक बिल्कुल सब कुछ सेम है। संगीतज्ञ, हम संगीतज्ञ बोल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह उसमें शामिल है जबकि ऐसा नहीं होता है। संगीतज्ञ में यह होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी बी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है, संगीतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर, जो कि हम पढ़ चुके हैं युधिष्ठिर। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें आधा श आता है तो जहाँ पर भी ये श है ये स है ये गलत हो गया। अगर स्थिर होता, खाली अगर वर्ड होता स्थिर तो ये ठीक था लेकिन युधिष्ठिर में ऐसा स नहीं आता तो इसमें श ये आता है वो भी आधा आता है तो जो ये हमारे ऑप्शन में गलत हो गया युधिष्ठिर। तो ध के ऊपर बोलने से ही पता लग रहा है युधि, युधिष्ठिर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है,
जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेदिक। मैंने आपको बताया था आयु तो सभी को लिखना आता है आयु, लेकिन जो व है आयुर्वेदिक व के ऊपर ऊपर र की मात्रा आती है जो सिर्फ बी ऑप्शन में है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। औपचारिकता। औपचारिकता का मतलब होता है क्या चीज़ ठीक है। औपचारिकता का मतलब होता है फॉर्मेलिटी, क्या चीज़ फॉर्मल है। सभी ने कमेंट कर दिया होगा औपचारिक। औपचारिक तो होता ही नहीं, औपचारिक वर्ड है जिसका मतलब है रोगी को ठीक करना, उसका उपचार करना, लेकिन यहाँ पर है औपचारिकता। औपचारिक में ओ जो है वो बड़ा आता है औपचारिकता, लेकिन जो र है वो छोटी आती है औपचारिकता में, तो जो आपका डी ऑप्शन वो गलत है। जिन्होंने भी ए ऑप्शन को कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अध्ययन। 19 क्वेश्चन के लिए जल्दी से कमेंट कीजिए, डी ऑप्शन को इग्नोर कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। अध्ययन, अध्ययन में दो ये आते हैं, अध्ययन हम बोल रहे हैं तो पता लग रहा है अध्ययन में दो ये आएंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया है। और अध्ययन एक ध आ रहा है तो दो ऑप्शन दो ध, ये भी गलत हो गया। अध्ययन दो बार ये तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी आंसर बी कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बताया था सामाजिक रासायनिक रसायन होता है केमिकल रसायन, लेकिन अगर रासायनिक अगर उसकी विशेषता आएगी तो ऐसे लिखा जाएगा, तो रा ये गलत, र के बाद आना था ये गलत, और राशि तो होता ही नहीं ये भी गलत, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घायु। मैंने आपको बताया था कि दीर्घ द ई रुघ ऐसे लिखते हैं, अगर आ आ की मात्रा आती है तो आ के ऊपर आ जाता है, तो जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है उन सभी का आंसर ठीक है। यहाँ पर रह तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन गलत होने ही थे, और ये भी गलत होना था क्योंकि दीर्घ आपको लिखना आता है घ के ऊपर रहते दीर्घ में, अगर आता है तो आ के ऊपर आएगी घ के बाद दीर्घायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। नक्षत्र, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। नक्षत्र, नक्षत्र तो होता ही नहीं तो ये गलत हो गया, मानता हूँ आप कमेंट कर चुके होंगे। नक्षत्र, नक्षत्र भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, श्य आता है नक्षत्र। जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी का आंसर ठीक है। जल्दी से आप अपने आंसर काउंट कीजिए कितने आपके आंसर ठीक हैं और कमेंट करके मुझे बताइए। इसी के साथ ये वीडियो पूरी होती है। मैं विश करूंगा कि आप सभी का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाए और मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, और शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी आपके सेम स्कूल में आपके साथ पढ़ें। थैंक्स।